हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर महेश भारद्वाज के द्वारा। ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, तो इनसे बेहतर इसके बारे में कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि जिस सेवा में, जिस क्षेत्र में है, उसी के बारे में ये आर्टिकल लिख रहे हैं। तो समय पर पुलिस सुधार होते तो कोरोना से जंग आसान होती। इनका कहने का मतलब है कि अगर पुलिस में सुधार होता रहता है, पुलिस व्यवस्था में, तो आज जो कोरोना बढ़ रहा है, इससे हम लोग आसानी से लड़ सकते थे। तो देखते हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं। कोरोना त्रासदी से सीधे तौर पर जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि अपने क्षेत्र में भी देख रहे होंगे कि पुलिस वाले बहुत कुछ पुलिस वाले हैं कि जो काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना, और नाम भी कर रहे हैं, कई मदद भी कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन एक दूसरी तरफ उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इसमें आपका स्वास्थ्य कर्मियों की हालत देख रहे हैं, सफाई कर्मियों की हालत देख रहे हैं कि इन्हें भी अब तो पॉजिटिव, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी तो आपके मौत की मुंह में जा चुके हैं, दूसरों की सेवा करते करते। सफाई कर्मियों को देखा है आपने, स्वास्थ्य कर्मियों को, कई डॉक्टरों को आपने देखा है। तो ये आसान नहीं है रास्ता, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं इसको, कोरोना को। अभी कल ही का रिपोर्ट है, आपके जो एमपी के हैं कोई, सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनकी माँ। और वो, आप समझिए कि जब वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो हमारी, हम लोग क्या हैं? हम लोग तो नॉर्मल जनता है, यानी कि गरीब है हम लोग। तो सेफ्टी रखिए अपनी, और इसमें कोई ढील मत दीजिए। सरकार ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। क्योंकि सरकार अब इकोनॉमिक्स पर, यानी कि अर्थव्यवस्था पर जोर देने लगी है, और वो भी क्या करे, वो भी कुछ ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन में आपको नहीं रख सकती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था वैसे भी दुरुस्त थी, और जितनी कमी थी वो आपकी कोरोना ने पूरी कर दी। और आप देख रहे हैं कि डेली 10,000 के करीब आपके केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अपनी सुरक्षा अब आपको खुद रखनी है, और अपने बच्चों की भी आपको खुद सुरक्षा रखनी है। ठीक है, अब कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए। ठीक है, वो बड़े लोग हैं, आर्थिक स्थिति आपसे कई गुनी उनकी अच्छी है, तो उन्हें तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अब अस्पताल में वीआईपी दाखिल हो जाएंगे। तुम्हारी स्थिति आप खुद जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, और कितना आप लोग अपने परिवार को सेफ्टी कर सकते हैं, और अपने आप को सेफ्टी, तो थोड़ा ध्यान रखते रहिए। ठीक है, अनलॉक के दौर में सड़कों पर बढ़ती संख्या कोरोना योद्धाओं की सम्मुख नई नई स्थितियां ला रही है। अन्य मुल्कों के मुकाबले हमारे संघीय ढांचे में कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। कानून व्यवस्था किसका विषय है? राज्य सूची का। याद रखिए, आपकी तीन सूचियां होती हैं, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर आपकी राज्य सरकार, और जो संवर्ती सूची होती है, इन पर दोनों कानून बनाती है। राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार, लेकिन अगर दोनों में गतिरोध है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी, यानी कि प्रभावी है, उसमें ताकतवर है। और उसे अमलीजामा पहनाना वाला पुलिस तंत्र संबंधित राज्य सरकारों के अधीन होता है। पुलिस के प्रति हर राज्य सरकार का अलग अलग नजरिया भी जग जाहिर है। मसलन किसी राज्य सरकार के लिए पुलिस पहली प्राथमिकता है, तो किसी राज्य की नजर में पुलिस आवश्यक बुराई स्वरूप है। आंकड़े बताते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्वी राज्यों में पुलिस कर्मियों की उपलब्धता इति 1 लाख की आबादी पर 500 से ऊपर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह उपलब्धता 100 प्रति लाख रुपए के पास है। यानी कि आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि 1 लाख, यानी कि 1 लाख आबादी पर आपके 500 पुलिस वाले हैं। कितने? 500 पुलिस वाले। ठीक है, और कहाँ ये आपकी व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और सॉरी उत्तर पूर्वी राज्यों में। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आपकी प्रति 1 लाख में 100 पुलिस वाले हैं, यानी कि प्रति 1 लाख व्यक्तियों को संभालने के लिए 100
व्यक्ति 100 पुलिस वाले हैं आपके। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 1 लाख जनसंख्या को संभालने के लिए आपकी कहीं 500 से ऊपर जनसंख्या है पुलिस वालों की, और तो कहीं आपकी 100 जनसंख्या है, समझ सकते हैं? यानी कि 1 लाख लोगों को हैंडल करने के लिए 100 पुलिस वाले हैं कहीं कहीं आपके। संयुक्त राष्ट्र मानदंड यह उपलब्धता 230 प्रति लाख होने की बात करता है, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानदंड है इसके अनुसार 1 लाख व्यक्तियों को के ऊपर आपके 230 पुलिस वाले होने चाहिए। कितने? 230। 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में पुलिस कर्मियों के स्वीकृत पदों की संख्या तकरीबन 28 लाख ही है, जिसमें आपका 25 से 30% पद खाली होने के कारण पुलिस की राष्ट्रीय उपलब्धता का औसत आंकड़ा 150 तक ही पहुंचता है। इसलिए लगता है कि यदि समय रहते ये पद भी भर गए होते तो प्रति लाख जनसंख्या की सेवार्थ 185 पुलिसकर्मी सुलभ हो सकते थे, जो इस समय पुलिस का काम आसान बना देते। इस समय कोविड-19 यानी कि कोरोना से प्रभावित अन्य देशों में भारत के मुकाबले पुलिस बल पर भी नजर डालना उचित होगा। इस महामारी में सबसे त्रस्त देश अमेरिका में पुलिस कर्मियों की प्रति लाख उपलब्धता 298 है। कितनी? 298, यानी कि 1 लाख पर वहां 298 पुलिस वाले हैं। स्पेन में आपकी 533 है, इटली में आपकी 456 है, फ्रांस में आपके 340 हैं, जर्मनी में आपके 381 हैं, इंग्लैंड में आपके 211 हैं, जो भारत की उपलब्ध 150 उपलब्धता से काफी अधिक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एशियाई देशों में भी प्रति लाख पुलिस कर्मियों की उपलब्धता उतनी खराब नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 143 है, पाकिस्तान में आपकी 181 है, बांग्लादेश में आपकी 125 है, म्यांमार में आपकी 170 है, श्रीलंका में आपकी 424 है, नेपाल में आपकी 193 है। आप समझ सकते हैं कि आपके पड़ोसियों की आपसे काफी अच्छी स्थिति है। पुलिस कर्मियों की संख्या का महत्व इसलिए है क्योंकि सटीक इलाज के अभाव में कोरोना-19 से यानी कि कोरोना-19 से निपटने में लॉकडाउन को ही सबसे प्रभावी और असरदार माना गया। इंदौर, जयपुर और दिल्ली के निजामुद्दीन जैसे इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मसले अलग से हैं। आप्रवासी मजदूरों से जुड़े मसलों की फहरिस्त तो और भी लंबी होती जा रही है। तात्पर्य है कि पुलिस के सामने चुनौतियों का अंबार है, समझ रहे हैं आप लोग? 2018 में सीएसडीएस द्वारा किए गए एक सर्वे में पुलिस पर आमजन का भरोसा सेना, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधियों, चुनाव आयोग के मुकाबले काफी कम है। यानी कि आपके यहाँ पुलिस पर कम भरोसा करते हैं आप लोग, क्योंकि आप देखते हैं कि कई जगह आप खुद देखते हैं कि पुलिस को रक्षक माना जाता है जनता का, लेकिन यही भक्षक बन जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना कि कोरोना के टाइम कई लोग पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है, लेकिन कई जगह आपने देखा है पुलिस वालों ने अपनी दरिंदगी दिखाई हुई है। तो उसी तरह है कि सभी 5 उंगली आपकी बराबर नहीं होती है, तो पुलिस वालों में भी आपके कई लोग अच्छे थे देखिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपसे कहा जाए कि एक पुलिस वाला है, एक आर्मी यानी कि जवान है आपका सेना का, किस पर आप भरोसा करोगे? तो आप बेझिझक कहेंगे कि सेना के व्यक्ति पर हम भरोसा करेंगे। आपको पुलिस वाले पर भरोसा नहीं रहेगा, फिर चाहे वो कितना भी ईमानदार हो, समझ रहे हैं आप लोग? कोविड-19 यानी कि कोरोना से लड़ाई में संसाधनों की कमी, तमाम कठिनाइयों के बावजूद पुलिस जिस शिद्दत से जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है, उसे देखते हुए इस भरोसे में बढ़ोतरी की उम्मीद की जानी चाहिए। अतः इस संकट से निजात मिलने के उपरांत लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े पुलिस सुधारों की तरफ भी ध्यान की उम्मीद है। माना कि पुलिस राज्य सूची का विषय है, लेकिन भारत जैसे बड़े राष्ट्र में पुलिस सुधार के लिए जिस स्तर की इच्छा शक्ति और राजनीतिक पहल की जरूरत है, वह केंद्र सरकार के आगे आए बिना संभव नहीं है। राज्य सरकारों के रोक को तो इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि जहां 2011 से 2015 के दौरान पुलिस पर राज्य अपने कुल बजट का 4.4% खर्च कर रहे थे, उसे 2015 से 19 के बीच 4% कर दिया, यानी कि घटा दिया उन्होंने।
ऐसे में पुलिस अधिकारियों को अकेले राज्य सरकारों के भरोसे और अधिक छोड़े रखना ठीक नहीं होगा। याद रखिए, मैं यहाँ इस पॉइंट को नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस वालों पर कम भरोसा है आप लोगों को, खुद ये अधिकारी मान रहे हैं, समझ सकते हैं आप लोग। तो इसमें अगर ये खुद मान रहे हैं तो उनके मानने का प्रभाव पड़ता है, हम लोगों का मानने का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप नेताओं पर कौन भरोसा करता है? फिर भी आप समझ सकते हैं नेताओं की स्थिति पुलिस वालों से अच्छी है, यानी कि पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते हैं लोग, नेताओं पर भरोसा करते हैं। वरना होना क्या चाहिए था कि नेताओं पर भरोसा ना किया जाए, लेकिन पुलिस वालों पर भरोसा किया जाए, क्योंकि उनकी आदतों से लोग परेशान रहते हैं। और इसमें आप देखते हैं कई पुलिस वाले, कई अधिकारी आपके ईमानदार भी होते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी उन्हें भारी पड़ती दिखाई देती है। तो चलिए ठीक है, ये आपकी कमी देखिए। याद रखिए, जो नेता आपके, फिर चाहे आपके प्रधानमंत्री जी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव, कोई भी हो, एक्सपायर्ड, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सब बोला करते थे कि 2 साल के लिए हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि हम 2 साल बैठा के हर इंसान को खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 महीने में अब सबकी औकात दिखा दी कोरोना ने। तो कौन कितना जनता का मालिक था, यानी जनता के लिए मरता था, वो सामने आ चुका है। आपने किसी भी मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को रोड पर चलते नहीं देखा है कि जब जनता मर रही है, त्राही त्राही मान रही है जनता, तब कोई नेता, फिर चाहे आपके कोई पुराने नेता हो या नए नेता हो, कोई जाकर उनकी मदद करने के लिए पहुंचा हो। इसका सीधा सा मतलब है यार कि हमें हमारे देश के नेताओं से कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो बीजेपी, ऐसा नहीं बीजेपी दूध की धुली है या फिर कांग्रेस दूध की धुली है, सबके पास एक बड़ा बहुमत है। यूपी में आपके 403 विधायक हैं, समझ सकते हैं आप लोग। जो सोनू सूद ने काम किया है, रोड पर उतरा है, उसने पूरे आदमियों की व्यवस्था की है, इन 403 अगर यूपी के लिए काम करते, प्लस 80 जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं, प्लस आपके 31 राज्यसभा के सदस्य हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बदल जाती यूपी की। कोई भूख से ना मरता, कोई व्यक्ति ट्रेन की पटरी के नीचे आने की हिम्मत ना होती उसकी, ठीक है ना, उसे इस तरह की मुसीबतें झेलने पड़ती। लेकिन ना तो कोई विधायक सामने आया दिखा, और ना ही कोई मंत्री, ना ही प्रधानमंत्री। लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं बार बार बोलता आया हूं कि अगर इस समय हमारे भगवान श्री राम होते तो वे वो रोड पर दिखते हैं जनता के लिए। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि कोरोना हो सकता है या नहीं, किसी को नहीं छोड़ सकता है, लेकिन वहां आप सोनू सूद को तो देखिए कि वो व्यक्ति रोड पर खड़ा रहा, उसे भी तो डर होना चाहिए, क्योंकि गरीबों में मिल रहा है। अब पता नहीं कैसे कौन कोरोना पॉजिटिव पाया, कैसा हुआ है, तो उसमें भी तो डर होगा उसके अंदर भी। लेकिन हमारे नेताओं में कितना डर था कि घर में घुसकर बैठे रहे, लेकिन वो रोड पर नहीं आए। भगवान करेगा निपटा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैं अगर नेता हूं या तुम भी नेता हो, कोई भी नेता है, तो उसका काम बनता है कि अपनी जान भी दे सकता है अपनी जनता के लिए, क्योंकि वो जनता तुम पर भरोसा करती है, प्रधानमंत्री पर। हो सकता है आज से, याद रखिए, एक समय कांग्रेस को भी यही घमंड था कि वो सबसे ताकतवर पार्टी है, और मुझे लगता है आज ये घमंड बीजेपी के अंदर आ चुका है। तो कांग्रेस भी डूब चुकी थी, आप समझ सकते हैं, इंदिरा गांधी के समय और राजीव गांधी के समय कांग्रेस यही घमंड में जीती रही कि मैं हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता आए, सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया। समझ सकते हैं आप लोग, एक समय ऐसा आएगा कि इसका भी वही हाल होगा, मुझे दिख रहा है। इसलिए क्योंकि मैं, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम कभी उनकी गरीबों की नजर से देखिए, जो ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर दबे हैं, जो मरे हैं, जो भूख से तड़पे हैं, उनकी जगह अपने आप को रखकर देखिए, नींदें उड़ जाएंगी हमेशा के लिए, ठीक है। कभी अपनी माँ बहन किसी भी को वहां रखकर देखिए कि रास्ते पर जन्म दे रहा है, दे रही बच्चे को, चलते चलते उसके बाद फिर चलने लगती है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उससे बुरी हालत में अभी हमारे गरीब गरीब मजदूर, ठीक है।
इतना। और आपको अगर लगता है कि ठीक है आपका प्रधानमंत्री आपकी सरकारें काम करती हैं, अच्छा मैं ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला है कि पर्टिकुलर बीजेपी को मैं गलत ठहरा रहा हूँ। 400 अगर 3 और 80 का और 31 का मतलब है तो उसमें पूरे बीजेपी के विधायक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हर नेता अगर वो नेता बना है तो उसे अपनी जनता के लिए जान छिड़कनी चाहिए, यानी कि जहां अगर जनता मर रही है तो खुद को पहुंचना चाहिए अपनी जान जोखिम में डालकर, वही नेता होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वो नेता थे जो बिना फल सोचे जान दे दी, समझ सकते हैं। तो अभी के नेताओं और उस समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए कंपेयर इनका उनसे तुलना मत किया करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बोलता हूँ कि अपनी सेफ्टी खुद रखिए, तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें छोड़ दिया मरने के लिए, तुम मरिए या कुछ भी करिए। और तुम्हारे मुंबई की हालत देख रहे हैं ना, कि मुंबई की हालत वुहान से खतरनाक हो चुकी है इस समय, तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि हमें कोरोना नहीं होगा या हमारे तक कोरोना नहीं पहुंचेगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी कोरोना पहुंच चुका है, और जितनी रही कसर थी उसकी इन्होंने कर दी कि अब टेस्ट भी कम किए जा रहे हैं, और आप समझ सकते हैं टेस्ट नहीं होंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा कि कितने लोग कोरोना का पॉजिटिव पाए हैं। तो एक तरह से अब सरकार आपकी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लगी हुई है, जनता मरे जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप समझ सकते हैं कि 180 200 के करीब मर चुके हैं, भूख से मरा है कोई, ट्रेन से मरा है कोई, एक्सीडेंट से मरा है कोई, किसी से, तो किसी को घंटा फर्क पड़ा है? आपने देखा है कोई रोते हुए मिला हो? कभी आपने अपने प्रधानमंत्री को दिया हो कि देखा हो कि वो उनके लिए 2 शब्द रोकर बोल रहे हैं? किसी नेता ने उनके लिए कुछ बोला हो? फर्क पड़ता है आपके परिवार को, समझ सकते हैं। मैं किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं हकीकत वो बता रहा हूं कि जैसे मुझे अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो घंटा किसी नेता को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मेरे परिवार को, समझ सकते हैं। तो आप अपनी ख्याल रखिए, क्योंकि नेताओं कितने भी आप किसी के भी भक्त हों, चाहे बीजेपी की, कांग्रेस की, अन्य पार्टी की, कोई तुम्हारी, जब हम मर जाएंगे ना तो हमारी हाथ भी नहीं लगाने आएगा कोई, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए आपने कई लाशों को देखा है रोड पर डले हुए, कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। तो इसलिए आराम से अपनी सेफ्टी रखिए, आपके खुद खून है जो आपके घर परिवार वाले हैं वो भी हाथ नहीं लगाएंगे यहाँ तक हो जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सेफ्टी रखिए और परिवार की सेफ्टी रखिए अपने आप, ठीक है। और आपको लगता है कि कोरोना ठीक हो गया है, छूट मिल रही है तो आप मुंह उठा के कहीं जाएं, ये बिल्कुल गलत है। कोई आपको कम रिपोर्ट कम मतलब संख्या कम नहीं हो रही है, कोई काबिज नहीं हो रहा है इस पर, संख्या बराबर बढ़ती जा रही है आपकी, डेली के आपके 10,000 के केस शामिल हो रहे हैं, इसलिए इस गलत फहमी में तो रहिए ही मत कि कंट्रोल पा लिया है हमने, बिल्कुल नहीं पाया, ठीक है, इसमें दोहराया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।